इधर आ जाओ साइड में अशफाक पीछे हो जाएंगे ना सब, पूरी फोटो आती है अच्छी। हाँ जिले के मामले को लेकर डॉक्टर साहब की क्यादत में आज हम लोग जो आए थे, तो जो बातचीत हुई अभी डॉक्टर आपको बताएंगे। दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप अपना कीमती वक्त निकाल कर स्पेशल IGP के ऑफिस में हाजिर हुए। अजीज तरीन साथियों, आज हम दो मसलों पर स्पेशल IGP के पास आए थे। मुझे ये कहते हुए खुशी होती है, मैं स्पेशल IGP साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उन्होंने इस बात की गंभीरता को समझा, हमसे वादा किया कि उन ऑफिसर्स पे सख्त कार्रवाई की जाएगी, सस्पेंशन, डिपार्टमेंट इंक्वायरी, नौकरी से हटाने की बात की जाएगी, तहकीकात करने के बाद उनको शोकाज नोटिस दिए जाएगी। क्योंकि जिस बच्ची पे बलात्कार हुआ था उसका IO कोर्ट में जाकर PCR नहीं मंगा, MCR मंगा। वो जो मजिस्ट्रेट के ऑर्डर थे, साहब ने खुद उसकी स्टडी की और साहब ने कहा ये गलत बात हुई। दूसरा, जो बच्ची किडनैप हुई थी उसके वारंट को वहाँ के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने बड़ी बेइज्जती की थी और कहा था बच्चे क्यों पैदा करते। उसकी तकरार चौथे महीने की थी, सातवें महीने तक बच्ची की कुछ दरियाफ्त नहीं की गई। उस ऑफिसर पे भी साहब ने कार्रवाई की बात कही। तो मुझे ये कहते हुए खुशी होती है कि आपके ताउन से आपकी मौजूदगी में, क्योंकि कोविड का ज़माना है और स्पेशल IGP साहब के पास सिर्फ 5 आदमी को जाना था, मेरी ख्वाहिश थी कि हम में से हर आदमी वहाँ मौजूद होता, मगर आपकी आवाज़ बनकर आपके जज्बात को हमने स्पेशल IGP तक पहुँचाया। और इंशाअल्लाह ताला हम अपनी दो बेटियों को और हमारे उस भाई को जो खुदकशी करके इस दुनिया से कुछ कर चुके हैं, उनको हम कुछ मदद कर सकेंगे। आइंदा भी आपके ताउन की तवक्को है। शुक्रिया आप तमाम का। एक बार फिर अपने साथ बीर डिस्ट्रिक्ट से वहाँ के जिला अध्यक्ष हमारे एडवोकेट शफीक भाऊ साहब आए हैं, अंबाजोगाई तालुके के अध्यक्ष जिम्मेदार बीर डिस्ट्रिक्ट के स्पोक्स पर्सन रमेश भाई आए हैं, और जो हमारे रतन भाई जिन्होंने खुदकशी की अपनी इज्जत को बचाने के लिए, उनका बेटा भी आया है, उनके भाई भी आए हैं। मैं हमारे शहर के तमाम जिम्मेदारों से, वो बबू भाई हों दो, अमजद चाचू हों दो, मोहिमिन खान हों दो, अजीम भाई हों दो, अक्रम भाई हों दो, हमारे भाई जी हों दो, विकास एटके साहब का खास तौर पर शुक्रिया अदा करना इसलिए ज़रूरी है कि अपॉइंटमेंट लेना, निवेदन बनाना, सबको इतना पहुँचाना, मेहनत का काम उन्होंने अंजाम दिया, उनका शुक्रगुजार हूँ। कार्यक्रमबंदी साहब खुशी तौर पर मौजूद हैं, शहर जिला सदर हमारे साथ, सोहेब भाई, दस्तरी भाई, अच्छू भाई, शाहनवाज भाई, हमारे खालिद भाई, सलीम पटेल भाई, हमारे नया नगर के हमारे रईस भाई, अख्तर हाजी, हमारे शहर जी सलीम भाई, हमारे सब है, आप सबका शुक्रिया। आइंदा पे हम मिलजुल के काम करेंगे। अगर किसको चाय पीने की ख्वाहिश है तो हमारे वो नकरा झूठ पे आ जाओ। बोलिए सर, नीचे करो सर, नीचे करो, घूम थोड़ा नीचे लो। बीर डिस्ट्रिक्ट में अंसारी साहब थोड़ा नीचे करो। दो ऐसे वाकियात हुए हैं जो यकीनन दहरा देने वाले वाकियात थे। पहला वाकिया सूडी गांव में, जो मंजगे गांव तालुके में आता है, एक
मासूम 9 साल की बच्ची पर बलात्कार किया गया। उस वाकये में इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने कोर्ट में मौजूद ना रहते हुए एमसीआर मांगा, जो हमारे लिए तश्वीश की बात थी। वो गुनाह, वो जुर्म काफ़ी ख़तरनाक, भयानक होता है और आईओ का जो तरीक़ेकार था वो हमको नापसंदीदा, निग्लिजेंट, अपनी जिम्मेदारी को अदा नहीं करने का था। तो ये एक मामला था, उस सिलसिले में हम 19 तारीख को बीर के एसपी से मुलाकात किए थे, मगर हमें कोई खातिर का रिजल्ट नहीं आया। दूसरा वाकया अंबाजोगे तारुख में सिरसागा पुलिस स्टेशन की हद में है। एक बेटी हमारी जो कम उम्र है, नाबालिग थी, अप्रैल के महीने में मिसिंग हो गई। उसके वालिद ने शिकायत दी, उस शिकायत पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। जून में उसने एसपी के पास निवेदन दिया, फिर भी उसकी बच्ची को ढूंढा नहीं गया। और अभी 19-20 तारीख को, 8 दिन पहले, जब वो आईओ के पास गया अपनी बीवी के साथ, अपने बेटे के साथ, तो आईओ ने किया कहीं कुछ झकमाने बच्चे पैदा करते, वो आदमी के दिल पर असर हुआ, उसने 19 तारीख को फांसी ले ली। हमारा कहना यह है कि इंतहाई सेंसिटिव मैटर्स में आईओ का ये बर्ताव, ये तरीक़ेकार कायदे और कानून के खिलाफ है। हमने कोर्ट के उस ऑर्डर को भी साहब के पास दिया है, उस निवेदन को भी दिया है, और ये गुजारिश की कि दोनों आईओस और इनकी सुपरविजन करने वाले ऑफिसर्स ने अपने काम में जो कोताही की है, इसलिए उनके खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी की जाए। अगर वो इंक्वायरी में दोषी ठहराए जाते हैं तो उन पर गुनाह दाखिल किया जाए। मुझे कहते हुए खुशी होती है कि हमारे स्पेशल आईजीपी साहब, परसाना साहब, काबिल सताइश और तारीफ के काबिल शख्सियत। हमारे जाने से पहले उन्होंने पूरा होमवर्क कर लिया था, हमें आश्वासन किया, और जब स्पेशल आईजी कहता है कि इस मामले को मैं खुद देखूंगा, और कहा मुझे तकलीफ हुई इस मामले से, मुझे वाकई खुशी हुई। ऐसे पुलिस ऑफिसर को मैं मीडिया के माध्यम से अपने दिल से बधाई देता हूं, और खुशी है कि हमको इंसाफ मिलेगा। आज हमारे साथ इस निवेदन को देने के लिए बीर जिले के अध्यक्ष हमारे एडवोकेट शफीक भाऊ हैं, अंबाजोगाई से जो हमारे रतन भाई खुदकशी की, उनका बेटा आया है, वहां के हमारे एमआईएम के जिम्मेदार रमीश भाई आए हैं, हमारे शहर सदर शारिक नक्शबंदी दस्तगीर भाई, सुहेल भाई, और इस पूरे काम को जिस खुश असरूबी से मेरे साथी विकास एटके ने किया है, निवेदन कैसा बनाना, कैसा देना, सबको जमा करना। बहरहाल हमने स्पेशल आईजी साहब को जो निवेदन दिया है उससे कुछ हद तक हम समाधानी हैं। साहब ने कहा है कि 6 अगस्त तक मैं तमाम मालूमात हासिल करूंगा, 7-8 अगस्त को आप आके मालूमात ले सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि परसन्ना जी जो स्पेशल आईजीपी है उनके जरिए हमको इंसाफ मिलेगा। शुक्रिया, खुदा हाफिज़, जय भीम, जय भीम। सर एक सवाल, हम देखे सर इससे पहले भी कई बलात्कार की घटना महाराष्ट्र में घटी है, और जब बलात्कार की घटना घटती थी तो तमाम पॉलिटिकल लोग के लोग आगे आते थे। ये आज महाराष्ट्र में पहली बार देखा जा रहा है कि इमाम आवाज उठा रही है, दूसरे पार्टियां खामोश है, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो भाई, थोड़ा नीचे करो ना। सच बात तो ये है कि मीडिया होने की वजह से कुछ चीजें समझ में आ रही। अभी पुलिस कस्टडी में अयोध्या में एक इरफान नाम की बच्ची की मौत हुई, कोई नहीं गया उसके पास। जब एमआईएम ने मसला उठाया तो कुछ वहाँ के फिर राजकीय पार्टी के नेता गए। यहाँ भी क्यों, तो मैं एक समझता हूँ जमहूरियत में, अगरचे के भारत का संविधान कहता है सबके हुकूक, सबका अधिकार, मगर कहीं ना कहीं जब माइनॉरिटी के अधिकार की बात आती है तो किसी को चिंता और फिक्र नहीं होती है। यही दुर्दैव हो गया एमआईएम पॉलिटिक्स में आई ना, वरना एमआईएम महाराष्ट्र में कहाँ थी? हमको इंसाफ नहीं मिलता, इसीलिए तो एमआईएम पॉलिटिक्स में आई है। थैंक यू।